और अगली खबर रोहतास से है, जहां NH2 पर सासाराम से वाराणसी तक अवैध टोल को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सहित कई विभाग को पत्र लिखकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सासाराम, मोहनिया, कैमूर और डोभी बनारस के टोल प्लाजा को अवैध भी बताया है। पिछले दिनों विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा की दूरी रहने की संसद में स्पीच दी थी, लेकिन ये सभी टोल प्लाजा 60 से कम किलोमीटर पर स्थित हैं। धन्यवाद। मैं पिछले 7 साल से टोल प्लाजा जो इलीगल रूप से चल रहा है सासाराम में, मोहनिया में और डाफी में, उसके बारे में मैं लिख रहा हूं कि किस तरीके से पब्लिक मनी को लूट किया जा रहा है और किस तरीके से ये इलीगली टोल को चलाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि एक रूल है नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन रूल 2008। उसका जो रूल 8 कहता है कि कोई भी टोल प्लाजा जो है वो 10 किलोमीटर के म्युनिसिपल एरिया से 10 किलोमीटर के दूरी पे रहेगी। एक्सेप्शनल कंडीशन में वो 5 किलोमीटर के दूरी पे रह सकती है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।